तमिलनाडु में दही विवाद के बाद अब कर्नाटक में दूध पर जंग छिड़ गई है। दूध के दो बड़े ब्रांड अमूल मिल्क और नंदनी आमने सामने आ गए हैं। आखिर क्या है ये विवाद, एक मिनट में जानिए ये पूरी बात। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अमूल मिल्क और नंदनी दूध पर राजनीति गर्मा गई है। इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अमूल ने 5 अप्रैल को ट्वीट कर कर्नाटक में एंट्री का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो कर्नाटक की ब्रांड नंदनी को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस ने इसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के ब्रांड नंदनी को खत्म करने की साजिश बताया, साथ ही राज्य पर अमूल ब्रांड को थोपने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। सोशल मीडिया पर गो बैक अमूल और सेव नंदनी जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। विपक्ष के हंगामे के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सफाई देते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। वहीं इससे पहले 30 दिसंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में एक डेयरी का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने कहा था कि अमूल और नंदनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे। इसके बाद से ही बीजेपी पर नंदनी ब्रांड को खत्म करने के आरोप लगने लगे।